हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में जानेंगे भरतना जिला इटावा का वीडियो रहेगा और भरतना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और मेरे पीछे आप ठेली देख रहे हैं, यहीं पर हमने खाया है, अभी नाश्ता किया है। और हमारे साथ हैं भाई कलयुगी रावण। कलयुगी रावण जो है और जो कि इस वीडियो में पूरा साथ देंगे। मेरा ये स्कूटर है, आप देख सकते हैं, इसको ये चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, मैं पीछे बैठ के रिकॉर्ड करूँगा वीडियो। और आप बने रहिए हमारे साथ, फुल वीडियो देखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिएगा वीडियो करता हूँ शुरू। दोस्तों, ये भरतना है, इसको पुराना भरतना कहा जाता है, जो कि भरतना और उसराहार रोड है। ये जो उसराहार की जाता है, लगभग यहाँ से 24 किलोमीटर भरतना से उसराहार की दूरी है। तो ये पुराना भरतना कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कचौड़ी वाले भाई थे, जहाँ पर हमने कचौड़ियाँ खाई थी, वहाँ पर जब उनसे बात करने पर ये पता चला कि इसको पुराना भरतना कहते हैं। तो यही है पुराना भरतना। तो भरतना को किस किसने देखा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा आगे पुराने भरतना से आगे की ओर बढ़ते हुए। अब यहाँ पर जो है पुराना भरतना, जो उसराहार रोड कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ आपको कमर्शियल मार्केट देखने को मिल जाती है, कमर्शियल बिल्डिंग देखने को मिलती है। दोनों तरफ एक अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पर। अगर हम दोस्तों बताएं तो ये जिला इटावा का आबादी के क्षेत्र से इटावा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये कस्बा है, अच्छा शहर है यहाँ पर। और कई सैकड़ा शहर के आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ पर मार्केट करने के लिए आते हैं। भरतना में एक रेलवे स्टेशन भी है, उसको भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई है, और ये यहाँ का जो मार्केट है, एक अच्छा खासा मार्केट है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो आते हैं लोग तो मार्केट करने के लिए आते हैं, और सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये है भरतना में बना हुआ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद पार्क के नाम से, और अंदर प्रतिमा भी लगी हुई आज़ाद जी की। तो यहाँ पर ये उसराहार रोड पर ही ये पार्क है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा से आगे बढ़ते हुए, पार्क से आगे बढ़ते हुए, आपको सामने दिखेगी एक बड़ी सी पानी की टंकी, जो बहुत ही पुरानी टंकी बनी हुई है। ये काफ़ी समय हो गया है इस टंकी को बने हुए, देखिएगा, और अभी भी काफ़ी अच्छी मजबूती हालत के साथ खड़ी हुई है। सामने आप देख सकते हैं कन्नौज जो है 81 किलोमीटर है यहाँ से, बिधूना 31 किलोमीटर है, इटावा 20 किलोमीटर रह जाता है। और वहीं पर बात करेंगे आगरा की, तो आगरा यहाँ से 140 किलोमीटर है। सामने की त्राहा है, यहीं से 4 दिशाओं के लिए रोड जाती है। तो ये देखते हैं शहर का एक प्रमुख त्राहा है, बालूगंज त्राहा। और ये सामने आप देख सकते हैं ये जो पानी की टंकी बनी हुई है, पानी की टंकी वाला त्राहा और बालूगंज त्राहा भी इसको कहा जाता है। जब हम अंदर आते हैं त्राहा से, टंकी वाले त्राहा से अंदर आते हैं, तो यहाँ पर अंदर भी एक अच्छी खासी मार्केट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। अच्छी मकान ये देखने को मिलते हैं, मकान है, काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर मकान भवन बने हुए हैं, और काफ़ी अच्छी जगह रहती है, और काफ़ी अच्छा शांत वातावरण का रहता है। और यह है दोस्तों इटावा से, सॉरी भरतना से इटावा जाने वाला रोड है ये। और भरतना की जो अपनी एक पहचान है, वो तहसील के रूप में जाना जाता था। पहले इसका जो कार्यालय था, तहसील का लिंक जो था, मेन जिले से हुआ करता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये इटावा से है। और इटावा शहर का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है आबादी में भी और मार्केटिंग के हिसाब से भी। अभी हम जिस रोड पर हैं इसको कहते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ आपको कमर्शियल बिल्डिंग देखने को मिलेगी। एक बड़ी सी रोड है, काफ़ी अच्छी रोड है, हालांकि यहाँ पर डिवाइडर युक्त नहीं बनाई गई। और सामने आपको दिखेगा पंचवटी मार्ग करके है, ये पंचवटी राम जानकी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं पुस्तकालय बना हुआ है। काफ़ी अच्छी रोडें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, हालाँकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी रोड ख़राब है। हम देख सकते हैं आप दोनों तरफ है, काफ़ी अच्छी मकानियत है, आप देख सकते हैं ये देखिएगा। और काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका रहता है ये वाला, और हर समय यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सामने है विशाल सिंह डिग्री कॉलेज है, ये यहाँ देख सकते हैं विशाल सिंह डिग्री कॉलेज, ये वाला महाराज सिंह यादव स्मृति पार्क बनाया गया, मतलब महाराज सिंह यादव के नाम का ये पार्क है। सामने देख सकते हैं 1937 का बना हुआ एएसएबी इंटर कॉलेज भरतना इटावा, समझ सकते हैं दोस्तों ये 1937। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये
कितने वर्ष पुराना हो चुका है, और जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे भी ये पहले का कॉलेज है, वो अभी भी चलता है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। और आप लोग कमेंट करके बताना, बर्तना इटावाद हैं तो कौन कौन लोग इस कॉलेज से अभी तक पढ़े हैं, तो प्लीज़ ये कमेंट जरूर करिएगा। और ये कॉलेज का पूरा ग्राउंड है, आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, एकदम से ये बहुत बड़ा ग्राउंड है भाई। और ये है दोस्तों बर्तनागढ़ रेलवे स्टेशन रोड, तो आइएगा चलते हैं रेलवे स्टेशन रोड की ओर। सामने ये पूरा रोड है, यहाँ से जाते हैं सामने है बर्तना का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी आपको रोड के दोनों तरफ मार्केट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग देखने को मिलती है यहाँ पर भी। और पीछे लगा देखिए LIC का बोर्ड, ये दीक्षित भवन बना हुआ है, काफ़ी पुराना है यहाँ एकदम। और सामने है यहाँ का रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का है ये नरसिंह मंदिर, ये वाला जिसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है। अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर, और यहाँ से लेते हैं एंट्री, ये है बर्तनागढ़ रेलवे स्टेशन। आ गए भाई, कुछ इस प्रकार से दिखता है बर्तनागढ़ रेलवे स्टेशन। और चलेंगे ये सामने, ये बना हुआ है आपका ब्रिज है। अभी सामने जो है एक मालगाड़ी खड़ी है, और बहुत सारे यात्री यहाँ पर अभी ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। वो आप कब आए थे बर्तना के रेलवे स्टेशन पर? यहाँ पर आपको लगभग चार प्लेटफार्म भी देखने को मिल जाते हैं। ये जवाहर रोड है दोस्तों यहाँ से, और ये जो है बर्तना का मुख्य बाजार है, यहाँ पर मेन बाजार यही है, यहाँ पर ये मेन बाजार लगता है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं HDFC बैंक का ATM भी बना हुआ है, और बकेवर रोड क्या कुछ आगे लॉन्च हो रहा है, कुछ ऐड वगैरह हो रहा है, और काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी पुराने पुराने बिल्डिंग घर, काफ़ी पुराने घर यहाँ पर ये बने हुए हैं, और इसी को कहते हैं बर्तना का मेन रोड। तो ये क्या चीज़ बना हुआ है, ये कुछ बना हुआ कोई मॉल टाइप का छोटा सा, तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप आखिर में बर्तना कब आए थे। तो आज जो है मौसम भी काफ़ी सुहावना है, और बर्तना जो है इटावा जिले में पड़ता है, और ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बर्तना इटावा जिले का ये बर्तना तहसील है। और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है जनसंख्या की दर से, आबादी की दर से ये इटावा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ की मार्केट है वो वास्तव में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ATM यहाँ पर लगा हुआ है, और लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पर इस शहर में सभी प्रमुख बैंकों का देखने को मिल जाता है, सभी शोरूम देखने को मिल जाते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ज़रूरत की जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर सभी देखने को मिल ही जाती हैं। तो चलिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इटावा शहर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सामने, और ये है बर्तना की मेन क्रॉसिंग, और यहाँ पर रहता है हर समय ट्रैफिक बंद, और क्योंकि यहाँ पर हर 3-4-5 मिनट बाद आता है ट्रेन, फाटक बंद ही रहता है। तो अभी भी देख सकते हैं लोग 5 मिनट से यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं फाटक खुलने का, अभी भी फाटक नहीं खुला है, कितना ज़बरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी हम जिस रोड पर खड़े हैं ये राजागंज बर्तना, यानी कि राजागंज बर्तना से राजागंज के लिए रोड जाता है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो पर इसी प्रकार के। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उनको फॉलो करिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।